टूडेज टॉपिक इज सेंटेंस एंड इट टाइप्स अब सबसे पहले हम सेंटेंस को देख लेते हैं फिर हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हैं तो सबसे पहले सेंटेंस का उर्दू अगर हम एक जुमले में उसको डिफाइन करें तो वो होगा किसी भी ऐसी लाइन जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे उसे हम सेंटेंस कहते हैं इसमें सब्जेक्ट हो सकता है वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम अ सेट ऑफ वर्ड्स ट इज कंप्लीट इन इट ऐसी लाइन जो कंप्लीट अपना मीनिंग खुद कन्वे कर रही हो किसी के आश्रय पर ना हो कोई डिपेंडेंट ना हो किसी पे उसको कहते हैं हम सेंटेंस टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट कन्वेइंग अ स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन और कमांड ठीक है अब हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क टू आस्क क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन हम क्यों यूज करते हैं जब हम बहुत ही स्ट्रोंग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ठीक है तो अब हम सेंटेंस uh, में क्या भी क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इट कुड बी इट कुड बी आ स्टेटमेंट क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन और अ कमांड ठीक है एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज मेन क्लॉज होता है ऐसा क्लॉज ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट अपना सेंस डिलीवर कर दे और किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो ठीक है अपना मतलब खुद ही कन्वे कर दे एंड समटाइम्स वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉजेसर इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कन्वे कंप्लीट मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या करें कंप्लीट था कन्वे करें मीनिंग कन्वे करें और क्या कंटेन करते हो सब्जेक्ट एंड अ वर्क अब हम कंप्लीट थाट और मीनिंग है ना इसकी इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कहते हैं ब्लू स्काई इज दा। अब आप इस सेंटेंस स्टेटमेंट को पढ़ें या देखें तो आपको समझ आ रही है ठीक है समझ नहीं आ रही कंप्लीट मीनिंग ही नहीं है तो अगर हम कह दें स्काई इज ब्लू आप समझ आई है मीनिंग की तो क्या है सेंटेंस हमें क्या कर रहा है एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है ठीक है अब हम सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम कहते हैं शी इज ड्रिंकिंग वाटर अब इधर शी क्या है सब्जेक्ट ठीक है और ड्रिंकिंग क्या हो गया एक एक्शन परफॉर्म है एक्शन परफॉर्म को हम क्या कहते हैं वर्ब तो ये सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया ठीक है ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर रहा है शी इज ड्रिंकिंग वाटर हमें पता चल रहा है कि वो पानी पी रही है सही हो गया आई हेट वर्ब्स इन इंग्लिश आई डांस यू डांस ही डेंस हाउ मच दिस डेंस अब सेंटेंस की थर्ड और सबसे मेन कैटेगरी हमारे पास आती है मीनिंग ठीक है अब मीनिंग के हिसाब से हमारे पास ना जैसे आपको सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है क्वेश्चन है आपका सेंटेंस कमांड है एक्सक्लेमेशन है ठीक है अब इनके हिसाब से हमारे पास सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो डिवाइड कर दी गई है ठीक है अब हम सेंटेंस की टाइप्स को देख लेते हैं सेंटेंस की टाइप से पे बढ़ने से पहले हम एक मीनिंग जो है उसकी ना एग्जांपल भी देख लेते हैं कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप्री स्ली अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है कलरलेस ग्रीन आइडियाज अब देखो अगर हम कहते कलरलेस हो तो ग्रीन ना हो और आइडिया तो करते ही नहीं है ठीक है अब ये सेंटेंस जो है वो हमारे पास सेंटेक्टिकली तो ठीक है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर तो है ठीक है लेकिन सिमेंटिकली रॉन्ग है सिमेंटिकली मतलब मतलब होता है कि एक सेंटेंस जो अपना मीनिंग कन्वे करे तो सिमेंटिकली रॉन्ग है ये अब हम फदर जाते हैं फदर हम बढ़ते हैं हम पास है. हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं सेंटेंस की टाइप्स को ना फदर टू कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक यूज और एक स्ट्रक्चर अब हम अभी पहले यूजेज की टाइप्स देखते हैं डेक्लेटिव इंट्रोगेटिव इंप्रोगेटिव और लास्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस नंबर वन पे है डेक्लेटिव कह लो याटिव है टेल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं ठीक है और एंड दे विद द पीरियड पीरियड कह लो फुल स्टॉप कह लो ठीक है इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं द डॉग इज मैं बेस्ट फ्रेंड अब देखो डॉग इज़ मैनज बेस्ट फ्रेंड और पीरियड लगाया हमने लास्ट में एक डॉग की ख़ूबी बयान कर दी ना नंबर टू द सैंडविच इज वेरी टेस्टी अब हमने सैंडविच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि सैंडविच कैसा है वो बहुत लजीज है टेस्टी है द गर्ल इज वेरी ब्यूटिफुल अब हमने गर्ल की खूबी के बारे में बता दिया कि गर्ल कि हमने इंफॉर्मेशन दे दी तो ये क्या सेंटेंसेस कर रहे हैं दीज सेंटेंसेस आर टेलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट कह लें या अबाउट द करेक्टर्स इन दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस लाइक डॉग लाइक सैंडविच और लाइक अ गर्ल नंबर टू पे हमारे पास आती है सेंटेंस की टाइप इंट्रोगे सेंटेंसेस अब लव से क्या बतला पता चलता है हमें कि इंट्रोगेट मतलब कोई सवाल जवाब करने वाले टाइप के होंगे ठीक है है वैसे ही है, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन अबाउट समथिंग और सम वन सही है और क्वेश्चन पूछ रहा है तो एंड किस पे करेगा ये एंड विद द क्वेश्चन मार्क ठीक है और इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमें डब्ल्यू एच फैमिली को भी कंटेन करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली आपको पता है ना वेन वेयर हाउ दो जो क्वेश्चन हमारे पास डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो उन्हें हम डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं ठीक है अब हम हाँ इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं वेन वेयर हाउ और की तो सबसे पहले है हमारे पास वेन इज योअर बर्थडे सवाल पूछा है हमसे कि तुम्हारी सालगिरह कब होती है वेयर आर यू गोइंग ठीक है एक तो सेंटेंस हो गया कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे और एंड किस पे कर रहा है क्वेश्चन मार्क पे और क्या कंटेन कर रहा है हर सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली ठीक हो गया नंबर फोर पे हमारे पास आता है व्हाट आर यू डूइंग कि आप क्या कर रहे हो थर्ड हमारे पास है इंपरेटिव सेंटेंसेस यूजेज कमांड आस्क फॉर रिक्वेस्ट ऐसे सेंटेंसेस ठीक है जो आपके पास रिक्वेस्ट या कमांड आपको दें ठीक है उसको हम क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस और एंड करें ये किस पे विद द पीरियड और अ क्वेश्चन मार्क इट इट कुड एंड विद अ पीरियड और विद द क्वेश्चन मार्क लेकिन अब हमें फर्क कैसे पता चलेगा ये करेंगे कमांड या रिक्वेस्ट ठीक है एग्जांपल देख लेते हैं हम प्लीज हैंड ओवर मी आ बैग ठीक है उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे मेरा हैंड बैग जो है वो पकड़ा दो पुट द की इन द बॉक्स ठीक है अब ये क्या कर रहा है हमारे पास ये उसने एक कमांड दिया हमें कि पुट द की इन द बॉक्स ठीक है और थर्ड पे दोबारा हमारे पास रिक्वेस्ट है प्लीज गिव मी वाटर फोर्थ वेट फॉर मी ठीक है वेट फॉर मी फिर वो क्या कर रहा है एक कमांड कर रहा है एक्सक्लेमेशन भी मतलब इसमें एक्सक्लेमेशन कैसे कि बहुत वाह फीलिंग नहीं है फोर्थ हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। अब ये है कि हमें बहुत ही ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रांग एक्सप्रेशन को शो कराए हमारे पास ठीक है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस जैसे वाव हो गया उरे, एक एक्साइटमेंट को एक फीलिंग को शो करवाए उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस लाइक हैप्पीनेस सैडनेस एक्साइटमेंट एंगर किसी भी स्टेट ऑफ इंसान की स्टेट ऑफ माइंड एक्साइटमेंट उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस ठीक है एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं ही इज a नाइस nice बॉय ठीक है हमने उसके लिए इजहार दिखाया कि सचा नाइस बॉय और हमने एंड किस पे किया एक्सक्लेमेशन मार्क पे नंबर टू दैट इज सच काइट अब हमने एक तजस का इजहार किया कि कितनी कैसे है ये इतनी बड़ी काइट ठीक है तो हमने एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया इसीलिए हम इस इन इन टाइप ऑफ सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेशन अब हम सेंटेंस का और उसकी टाइप्स का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने पूरी वीडियो में पढ़ा क्या ठीक है पहले तो हमने पढ़ी सेंटेंस की डेफिनेशन होती क्या है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कन्वे फुल मीनिंग ठीक है सेट ऑफ़ वर्ड्स क्या होता है ये सेट ऑफ वर्ड्स सही हो गया अब इसकी मीनिंग्स के हिसाब से हमने टाइप्स डिस्कस कर ली ठीक है दूसरा इसकी कैटेगरी हमारे पास थी ये करता है कंप्लीट थॉट कन्वे सही है और तीसरा इसके पास क्या कंटेन करता है इट्स कंटेन आर सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इसकी भी एग्जाम्पल देख ली हमने शी इज ड्रिंकिंग वाटर शी सब्जेक्ट था ड्रिंकिंग क्या है वर्ब इसकी टाइप्स पे आते हैं हम हम नंबर वन डेक्लेटिव नंबर टू इंटेरोगेटिव नंबर थ्री इम्परेटिव और नंबर फोर एक्सक्लेमेशन अब डेक्लिटिव क्या है इस हमने पढ़ा कि ये करता है इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है किसी भी चीज़ की किसी भी इंसान की इंटरागेटिव क्या है आस क्वेश्चन और इट्स कंटेन डब्ल्यू एच फैमिली ठीक हो गया इम्पेरेटिव में है यूज कमांड एंड रिक्वेस्ट जब भी हम किसी से कोई कमांड किसी को कोई हुक्म दें या उससे कोई रिक्वेस्ट करें उसको हम कौन सी टाइप कहेंगे इम्पेरेटिव टाइप कहेंगे और इसके लिए मिशन में हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं अपनी स्ट्रोंग फीलिंग्स को कन्वे करते हैं सच एज हु वाओ जब आप अमेजड हो जाओ किसी चीज से सो दिस वॉज द ओवर व्यू ऑफ द वीडियो होप यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अब आप है आपका छोटा सा क्विज आपने मुझे इन सेंटेंसेस के आंसर्स बताने के कौन सी टाइप्स हैं ठीक है नंबर oh 1 हमारे पास है प्लीज गिव मी पेंसिल एक रिक्वेस्ट है तो कौन सी टाइप है ये? कैन आई हैव अ कुकी क्वेश्चन मार्क है कौन सी टाइप है आई लव दैट पपी सो मच एक एक्सप्रेशन शो किया है तो बताएं ये कौन सी टाइप है दैट इज अ रेड एंड अ वाइट बॉल इन्फॉर्मेशन दी है किसी चीज के बारे में कैन आई प्ले सोकर विद यू क्वेश्चन इट इज नो आउटसाइड प्लीज स्टैंड ओवर देयर एक कमांड है ही इज होल्डिंग अ लिटिल डॉग इसमें ना क्वेश्चन वन टू थ्री करके उसके आंसर दिए